नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। खबर धौलपुर से है, जहां बाड़ी उपखंड मुख्यालय के डिस्कॉम कार्यालय में दो इंजीनियरों के साथ हुई मारपीट के मामले में क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का मुकदमा में नामजद होने के बाद लगातार आक्रोश भड़क रहा है। नगर पालिका पार्षदों के बाद पंचायत समिति के सभागार में समस्त सरपंचों ने बैठक कर लामबंद होकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से सरपंच संघ ने गिरिराज सिंह मलिंगा को मुकदमा में जूठा फंसाने के पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं वैसे उत्तम सिंह कुशवाहा, ग्राम पंचायत नीमखेड़ा, सरपंच प्रतिनिधि। मैंने देखा है जो बिजली विभाग वालों का जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है कि अगर घरेलू कनेक्शन है तो हर व्यक्ति का, चाहे एक बल्ब जल रहा है चाहे दो जल रहा है, बिना मीटर के यूनिट निकाल रहे हैं ये। किसी का महीने का 3,000 का, 4,000 का, जनता पर थोप रखे हैं एक एक लाख, डेढ़ डेढ़ लाख, और बिल भी भर दिए, फिर भी गाँवों से डिब्बा ले आए हैं, XEN और JEN वगैरह बहुत गाँवों से डिब्बे को उठा लाए हैं, बिना कनेक्शन के परेशान हो रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा चल रही है। बिजली विभाग में जो हंगामा हुआ है उनमें जो विधायक MLA है, जो उनका झूठा नाम आ रहा है उनके, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जो MLA साहब है वो बड़े ही ईमानदारी है, और हमारी जो पंचायत समिति है उसे यहाँ से 3 बार मतलब जीत के गए हैं, बहुत बढ़िया ईमानदारी है। और जो अगर उनको इस गिरफ्तारी से नहीं निकाला जाएगा तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। 28 मार्च को बिजली विभाग में झगड़ा भयो है, तो हमें विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को नाम झूठो आ रहा है, और गिरिराज सिंह मलिंगा विधायक ऐसे ईमानदार व्यक्ति है, 3 बेरे के जीते भय और जनता के बहुत हितैषी, जिनको नाम झूठो फंसा जा रहा है, राजनीति चलते तो हम तो मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि इनको नाम झूठो नहीं फंसाया जाए, सही जांच करके इनको नाम निकलवा जाए। जसनगर के निकट सुरपुरा गांव में जब्बर सिंह हत्याकांड मामले के 6ठे दिन राजसमंद सांसद दिया कुमारी सुरपुरा पहुंची, जहां उन्होंने जब्बर सिंह के परिवारजनों को सांत्वना देते हुए जब्बर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सादी परिवारजनों से इस हत्याकांड मामले में उनके पुत्र की कुशल क्षेम भी पूछी। इस दौरान दिया कुमारी के साथ जसनगर भाजपा मंडल अध्यक्ष रामनिवास गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भूजल के फिजूल खर्ची को रोकने और बारिश का जल संरक्षण करने के अलावा झुंझुनू को यमुना नहर का पानी दिलाने की मांग और संदेश को लेकर रिटायर्ड फौजी आजाद सिंह प्रदेश में 15,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकालेंगे। इसी सिलसिले में वे इन दिनों हफ्ते में एक दिन इलाके में 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को पानी की स्थिति के बारे में बताते हुए इसके दुरुपयोग और बर्बादी रोकने की अपील भी की है। इसके अलावा इसी यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्री से अपील करेंगे कि देश की नदियों को एक साथ जोड़कर झुंझुनू को यमुना का पानी दिलाएं और शेखावटी की लाइफ लाइन कही जाने वाली काटली नदी को भी पुनर्जीवित करें। सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि क्योंकि सर, जैसे पहले जो हमारे पानी का जो आप देख रहे हो आगे आगे, जैसे पहले हमारे यहाँ 20-25 हाथ पे पानी था, अभी 100 हाथ चला गया, अभी 150 हाथ, 200 हाथ, और अभी तो वो पाताल तोड़ पता नहीं कौन कौन सी जो भीलवाड़ा की मशीन ला के वो कर रहे हैं। तो हमारा अगर हम इस तरह ये करते रहे, पानी को वेस्ट करते रहे, तो आगे जाके हमारे को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो मैंने ये सोचा है सर, मैंने फौज में भी 30 साल नौकरी किया है, और फिर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हर आदमी के हर गांव में, राजस्थान में मेरी ये करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा होगी सर। झुंझुनू के चिड़ावा में नरसेवा नारायण सेवा समिति की ओर से 8वीं बार जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण किया गया। इस दौरान 101 जरूरतमंदों को राशन किट बांटे गए। ये कार्यक्रम सूरजगढ़ विधायक सुभाष पुनिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। साथ ही कार्यक्रम संयोजक अरविंद महमिया ने बताया कि अब तक वे 800 से अधिक जरूरतमंदों को राशन सामग्री का किट पहुँचा चुके हैं। हमारा 8वां प्रोग्राम है नरसेवा नारायण समिति का, और हम तन मन धन के साथ गरीब को गणेश मानकर और आज ये 8वीं बार प्रसाद वितरण करने हैं। जो प्रवासी लोग यहाँ नहीं रहते और वह गुप्त रूप से सहयोग प्रदान करते हैं, उनका मानना यही है कि सेवा ही जीवन का पर्याय है, इसी अनुरूप हम सेवा भावना के साथ यह कार्य करते हैं। आज इस समिति ने हमें आग्रह किया, यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा और समिति का परिचय भी लिया, काफ़ी रचनात्मक काम ये समिति कर रही है।
और आज प्रसाद का वितरण भी समिति के द्वारा किया गया, इसके लिए मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ। भीलवाड़ा शहर में तुलसी विवाह को लेकर कोटड़ी से आई चार भुजनाथ की बारात में विवाद हो गया। बारात में आए हजारों लोग धूमधाम से शहर में ठाकुर जी की बिंदोरी निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने इस भीड़ का तिलक नगर के बाद रोक किया। प्रशासन का कहना था कि इस कार्यक्रम को लेकर करीब 100 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन बारात में 1500 से अधिक लोग पहुंच गए। मामले में हंगामा शुरू हो गया और लोग जबरन रास्ते पर जाने लगे। ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को मौके से खदेड़ना पड़ा। भीलवाड़ा के कोटड़ी में बीते साल प्रदेश के बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में जान गंवाने वाले कोटड़ी थाना के सिपाही ओमकार रायका की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव चौहाली में शहीद स्मारक और प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह अनावरण राज्य बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुज्जर, अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक रूपेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर आशीष मोदी और जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने किया। साथ ही इस दौरान राज्य मंत्री गुज्जर और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दी। ओकार रायका जी की मूर्ति के लोकार्पण के अवसर पर हम यहाँ पर आए हैं और मैं यही कहना चाहता हूँ कि शहीदों की चिता पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशा बाकी होगा। जिस तरह से फर्ज की राह में अपने प्राण ओकार रायका जी ने कुर्बान किए, इनकी शहादत को नमन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं हम सब इनके परिवार के साथ अंतिम समय तक खड़े रहेंगे, भाई और बेटे के। कोटा में राजस्थान सरकार की तुष्टिकरण की नीति और करौली दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नंगे पैर प्रदर्शन किया। वही प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर भाजयुमो नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री और सरकार को जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक लगता है तो सरकार उनकी गर्दन पर आली चलवा दे, तब भी जय श्री राम का नारा लगाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल से मुख्यमंत्री को हजारों की संख्या में जय श्री राम लिखें, पोस्ट कार्ड का अभियान शुरू किया जाएगा। राजस्थान सदैव शांति प्रिय और वीरों की भूमि रहा है, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में सरकार कार्य कर रही है वह तुष्टिकरण की सारी सीमाएं पार कर रहा है। राजस्थान सरकार जिस प्रकार से आज वर्तमान की स्थिति में तुष्टिकरण की नीति अपनाकर राजस्थान में एक बहुसंख्यक वर्ग को प्रताड़ित कर रही है, उनके तीज त्योहारों पर जिस प्रकार से नए नए फरमान जारी करके रोक लगाने का काम कर रही है, ये निश्चित रूप से इससे साबित होता है कि राजस्थान में मुगलों या अंग्रेजों का राज चल रहा है। यह राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। जिस प्रकार से करौली के अंदर सुनियोजित ढंग से एक वाहन रैली पर नववर्ष पर आयोजित वाहन रैली पर हमला किया गया और उसके बाद सारे साक्ष्य मौजूद होने के बाद भी अभी तक कठोर कार्रवाई नहीं की गई दोषियों के ऊपर, बल्कि पीड़ित जो न्याय मांग रहे थे उनको धमकाया जा रहा है। धौलपुर में ऑटो और कार की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में ऑटो सवार दो युवकों की मौत हो गई, वहीं 3 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए और इस दौरान पुलिस ने मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर उनको सुपुर्द कर दिया। इस मामले की जांच कर रहे एसआई केदारनाथ ने बताया कि दूसरे मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस ने दुर्घटना में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल दिनांक 10/4/22 को करीब समय 2-1 बजे दिन में एक टेम्पो और एक फोर व्हीलर गाड़ी टक्कर मार दी और इससे वो टेम्पो आगे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें 2 आदमी मौके पर खत्म हो गए थे, बाकी 3-4 आदमी मजरूह हुए हैं और कल ही उनको मुस्लिम रखवा दिया। जिन मृतक में से एक की शनाख्त हुई है जितेंद्र सनोक भगवान सिंह हरिजन, करीब उम्र है 22 साल, हथपाई खेरली हथपाई खेरिया, ये आगरा में पड़ता है, इरादतन नगर थाना। तो उसके परिजन आगे उन्होंने FIR दी है जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TPV News। नमस्कार।